हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ नए कुकिंग वीडियो के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बोरो डिश, जिसे कहते हैं ओनला इंक्री ओनला सब्जी, जिसे मैं बनाने जा रही हूँ विद बेम्बू शूट, फ्रेश बेम्बू शूट और राइस पाउडर और चिकन के साथ। आज का जो कुकिंग वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाला है। और आप लोग भी कुछ इस तरीका से अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर चैनल में आप लोग नया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देर नहीं करते हुए चलो वीडियो को शुरू। देखिए गाइस, मेरे जो बेम्बू शूट है मैं कुछ इस तरीके से काट दिया है उसे, अभी मैं इसे धो लेती हूँ। गाइस ये देखिए मेरा जो चिकन है और इसमें मैंने खोल लिया लहसुन अदरक और इसमें मैंने काट लिया है प्याज, इसको अभी मैंने पोट भी बिठा दिया। अभी इसमें मैं जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा हमारे जो पॉट है उसमें हम तेल डालेंगे। गाइस मेरा जो पॉट है वो गर्म हो चुका है, ऑयल जो गर्म हो चुका है इसमें मैं डाल दूँगी अभी प्याज और यहाँ मैंने दो काट के मिर्चा भी मैंने डाल दिया है। प्याज है वो फ्राई हो रहा है, इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर, येलो पाउडर हल्दी, और उसमें डाल रही हूँ मैं मसाला। गाइस ये जो मेरा लहसुन और अदरक उसे भी मैं डाल दे रही हूँ, उसे कुछ इस तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। गाइस ये जो है मेरा फ्राई हो चुका है, अब मैं ये में डालूँगी हमारे जो मीट है। इसमें मैं डाल रही हूँ चिल्ली पाउडर। देखिए गाइस करीबन 10 मिनट ऐसा मैंने इसे पका लिया है चिकन को। अब मैं यहाँ डालूँगी ये जो हमारे जो बेम्बू शूट है इसे, मैं इसे डाल के फ्राई करूँगी। इसको जो है मैंने धो लिया है कट करने के बाद। अब मैं कुछ इस तरीका से उसे हिला लूँगी। हिलाने के बाद जो है फिर से मैं ढक के रखूँगी, करीबन 10 मिनट ही उसे पकने दूँगी। गाइस देखिए ओनला बनाने के लिए चावल जो मैंने सॉक कर लिया था, अभी सॉक करके ये भीज चुका है, इसे मैं 15 मिनट ऐसा भिजा के रख दिया था। अभी मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी यहाँ पर और आप लोगों को दिखाऊँगी। गाइस ये मैंने 15 मिनट ऐसा पका लिया है, अभी इसमें पानी डाल दूँगी। पानी हम लोग का जो चिकन और बेम्बू शूट है पक के हो गया, उसे अब मैं पानी डाल रही हूँ। गाइस मेरा जो बेम्बू शूट और चिकन जो है अच्छी तरीका से जो ये पक रहा है, तो इसमें मैं डालूंगी अभी खारी, जो ये फर्मेंटेड सोडा बोलता है, सोडा जो लोकल सोडा है, इसको बनाना से बनाया जाता है, उसको सोडा के काम आता है। देखिए मेरा जो चिकन और ये खारी डालने के बाद उसका जो कलर है पूरी तरह चेंज हो चुका है, जो लोकल जो सोडा हम लोग बोल सकते हैं इसको। अब मैं जो हमारे जो ये राइस पाउडर है जो मैंने ग्राइंड किया था राइस पाउडर, उसे मैं यहाँ डालूंगी। इसके लिए मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा डालने से कभी कभी जो है गोता गोता बन जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ में ही पानी मिक्स कर लूंगी। पानी कुछ इस तरीका से मैं मिक्स करके उसे डालूंगी ताकि जो वो लड्डू लड्डू जैसा ना बने, वो अच्छी तरीका से जो है आए। देखिए ये राइस पाउडर है, चावल को मैंने ग्राइंड करके किया, ये लोकल चावल से मैंने इसे बनाया है, लोकल चावल से। चावल डाल दिया तो उसमें अभी पानी मुझे और डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चावल थोड़ा ज़्यादा ये हो जाएगा स्टिकी, ये गाढ़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे मैं अच्छी तरह से पकने के लिए फिर से दूंगी। हम लोग का जो सब्जी है वो
पक के रेडी हो चुका है हम लोग का ओनला इंक्री, बोरो में बोलते हैं ओनला इंक्री। यहाँ में जो राइस के लिया अभी हम खाने के लिए रेडी कर रहे हैं। यहाँ में देखिए खाते हैं टेस्टी टेस्टी ओनला सब्जी ओनला इंक्री। देखिए अभी हम लोग खा रहे, इतना टेस्टी इतना स्वादिष्ट है। अगर बोलोनी होने से भी ऐसा इस तरीके से आलू बना के खाइए, बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। अगर चैनल में नया है तो प्लीज कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे चल के मेरे जो और भी कुकिंग नए नए तरीका से मैं आप लोगों के साथ लाऊंगी। Bye bye, everyone.